भूतिया चक्की वाला कहानी है रामपुर की। श्याम सुंदर त्रिपाठी रामपुर के ख्यातनाम डॉक्टर थे। रामपुर के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। श्याम सुंदर की पत्नी थी माया। माया और श्याम सुंदर की नई नई शादी हुई थी। माया श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खुश करने में ही लगी रहती थी। एक शाम माया को बचपन की सहेली नीता का फोन आया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? डॉक्टर साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, अस्पताल में हैं अभी। एक बात बता, तुम्हारी जैसी लड़की को श्याम सुंदर जी ने पसंद कैसे किया? क्योंकि यहाँ आजमगढ़ में तुम्हारे तेवर तो कुछ अजीब थे। मैं अब वैसी नहीं रही, बदल चुकी हूँ। पति परमेश्वर और ससुराल से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। चल भाई, अब रखती हूँ। सुंदर जी को बेसन के लड्डू बड़े पसंद हैं। चक्की जाकर अपने हाथ से आटा पिसवा कर लाती हूँ। रात के 9:30 बजे चने की दाल लेकर माया अपने नौकर जगन के साथ कार में बैठकर चक्की की तरफ निकल गई। इधर चक्की वाला दामू चक्की में आटा पीस रहा था कि अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया? अचानक अंधेरे में दामू एक परछाई देखकर जोर से चिल्लाया। अचानक लाइट आ गई और चक्की शुरू हो गई। लेकिन दामू का ध्यान चक्की पर नहीं था, उसका रवैया बदल चुका था। एक आत्मा ने उसे वश कर लिया था। माया की कार चक्की के सामने आते ही रुक गई। नौकर नीचे उतरा और चने की दाल लेकर अंदर आया। दामू दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। और दामू, चने की दाल रख कर जा रहा हूँ। खुद मैम साहब आई है आज, मैं बीड़ी सुलगाने जा रहा हूँ, जल्दी से पिसवा देना, समझा? नौकर जगन निकल पड़ा। जैसे ही जगन निकला, दामू ने जगन की तरफ देखा तो दामू भयानक भूत बन चुका था। दामू नहीं, बोला आजमगढ़ का चक्की वाला बोला। दामू जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद माया अंदर चक्की में आई तो चक्की में कोई नहीं था। ये नौकर भी बड़ा कामचोर है, चक्की वाले का पता नहीं और ये गया होगा बीड़ी सुलगाने। तभी अचानक चक्की अपने आप शुरू हो गई और भयानक आवाज करने लगी। चक्की की आवाज सुनकर माया डर गई। अरे, अपने आप कैसे शुरू हो गई? अचानक लाइट चली गई, लेकिन चक्की का लाइट पर कोई असर ही नहीं हुआ। चक्की जोर जोर से घूमती रही। माया बुरी तरह डर गई। कोई है? जगन, जगन! कौन? चोर? चक्की वाला कहाँ है? अरे जगन! अंधेरे में माया चिल्लाती रही, लेकिन चक्की की आवाज में उसकी आवाज भी दब गई और नौकर जगन चक्की के बाहर आराम से बीड़ी खींचता रहा। अंधेरे में माया ने देखा कोई दीवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। माया समझी दामू खड़ा है। वो गुस्सा हो गई। दामू, ये सब क्या है? फिर से लाइट आई। जैसे ही लाइट आई, चक्की अपने आप बंद हो गई। चक्की में सन्नाटा छा गया। माया ने दामू की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां दामू नहीं भोला खड़ा था। आजमगढ़ वाला, चक्की वाला भोला। तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मर चुका हूँ, तुम्हें मारने आया हूँ। क्या अब मुझे क्यों मारना चाहता है? भूल गई वो दिन जिस दिन तू मेरे चक्की पर आई थी? भोला की बात सुनकर माया अपने आप में ही खो गई और उसे वो दिन याद आया जिस दिन उसकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई थी। माया आजमगढ़ के बड़े परिवार की लाड प्यार में पली बड़ी बिगड़ी हुई बेटी थी। हर वक्त बस मोबाइल पर गुटरगूं गुटरगूं। जा भोला राम की चक्की से आटा पिसवा कर ला, चल जा। रघु भैया, समझाओ ना माँ को। माँ, घर में नौकर चाकर है ना, माया क्यों जाए? रघु, मैं तुम बाप बेटों की काली करतूतों में दखल नहीं देती। तुम भी हम माँ बेटी में दखल ना दो। माया जाती हो कि मोबाइल बंद करवा दूँ? हाँ, माया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी
माँ के डर से वो आटे का डब्बा लेकर भोलाराम की चक्की पर निकल पड़ी। भोलाराम एक शरीफ और ईमानदार नौजवान था। जैसे ही उसने थकी हारी माया को देखा, वो आटे का डिब्बा लेने उसकी तरफ भागा और गलती से उसका हाथ माया की कमर को छू गया। माया ने भोलाराम को जोरदार चाटा मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमर को हाथ लगाएगा? तभी माया का भाई रघु वहां आया। क्या हुआ माया? मेरे कमर को छुआ इसने। बहन को गलत फहमी हुई है भैया। रघु को गुस्सा आया और उसने भोला को चक्की पर पटक पटक कर मार डाला। कुछ याद आया? गलती हो गई भोला, उस दिन माँ का गुस्सा तुम पे निकल गया, मुझे माफ कर दो। तेरी गलती की वजह से मेरी जान गई, अब तेरी जाएगी। भोला का भूत माया की तरफ बढ़ने लगा। माया चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। अचानक चक्की शुरू हो गई और माया की आवाज दब गई। भोला माया के पास आया, उसने माया का सिर पकड़ लिया और चक्की पर पटक पटक कर माया को मार दिया। इस प्रकार गलतफहमी और दुर्व्यवहार की भारी कीमत माया को चुकानी पड़ी। राज आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया। ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही है पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? पच्चीस साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी, बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मामा मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था, और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया।
अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ! आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं कहीं भूत भूत का तो कोई चक्कर नहीं? केयर टेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है? आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना, सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहाँ भी एक सना बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी, पापा की याद आ रही है, मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहाँ वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ! जाओ, बचाओ मुझे, मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ दो सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मामा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना, हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब? उस रात फार्म हाउस में दो सना थी, एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी, और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था, और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई।